नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे IAS PCS प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनके आंसर्स। तो अभी तक हम लोग 17 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 18वां है। याद रखिए, आपके जितने भी टेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं वो सभी जनरल स्टडीज के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। तो 18वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन है हमारा, हरी खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। हमें सही कथन चुनना है। हरी खाद डालने का उद्देश्य मृदा में जैव पदार्थों की वृद्धि करना है। सही बात है। यह खेतों में उगे हुए हरे पौधों को जोतने की प्रक्रिया है, यह भी सही बात। इसके अंतर्गत पेड़ों और झाड़ियों से एकत्रित की गई हरी पत्तियाँ और नई टहनियाँ मृदा में मिला दी जाती हैं, यह भी सही है। तो इसमें इस प्रकार इसमें होगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। एक होती है स्व स्थानीय हरी खाद। इसमें हरी खाद वाली फसलों को खेत में प्रमुख रूप से या मुख्य फसल की सहायक फसल के रूप में उगाया जाता है और उसी खेत में मृदा में मिला दिया जाता है। उदाहरण जैसे सनई, लोबिया, उदड़, मूंग, ग्वार। हरी पत्तियों की खाद होती है पेड़ों और आसपास की झाड़ियों की टूटी पत्रियों और टहनियों को इकट्ठा कर मृदा मिलाकर यह खाद तैयार किया जाता है, जैसे ढेंचा, करंज आदि। ठीक है, तो पहले में आपका डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है दूसरा, क्या है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित खेती का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित खेती का उदाहरण है, तो यह है आपका पशुपालन के साथ साथ गेहूँ का उत्पादन। क्या है, सी ऑप्शन। मिश्रित खेती एक ऐसी खेती होती है जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन पालन का संयोजन किया जाता है। पशुधन उद्यम फसल उत्पादन के लिए पूरक के तौर पर कार्य करता है ताकि खेती की एक संतुलित और उत्पादक व्यवस्था बनाई जा सके। मिश्रित खेती में सकल आय का कम से कम 10% पशुधन पालन से आना चाहिए। इसके लाभ क्या क्या हैं, मिश्रित खेती के लाभ क्या क्या कहें। यह खेती व्यवसाय पर उच्चतम रिटर्न प्रदान करती है क्योंकि खेत के उप उत्पादों का सही उपयोग हो पाता है। यह पूरे वर्ष काम प्रदान करती है। भूमि, श्रम, उपकरण और अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग हो जाता है। पुआल, चारा आदि जैसे उत्पादों का इस्तेमाल पशुओं को खिलाने के लिए किया जा सकता है और बदले में हमें पशुओं से दूध मिलता है। पशुधन से उपलब्ध खाद मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है या परिवार के सदस्यों की सभी खाद्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, जैसे दूध आपका मक्खन हो गया। ठीक, गहन खेती संभव होती है इससे। यदि आय का एक स्रोत खत्म हो जाता है तो व्यक्ति दूसरे स्रोत से अपना परिवार का पालन कर सकता है। मिश्रित खेती से किसान की सामाजिक स्थिति बेहतर होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी मिश्रित खेती के लाभ। ठीक है, क्वेश्चन है आपका तीसरा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्रण से लाभ है। निम्नलिखित में से कौन कौन से फसल चक्रण से लाभ होते हैं, तो इसमें आपका उर्वरकों की कम आवश्यकता, सही है, मृदा उर्वरता में सुधार, गोल कृमि की संख्या में कमी, खरपतवार में कमी, यानी कि तीसरे में आपके चारों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर का, क्या है, अम्ल वर्षा केवल स्थलीय और जलीय जीवन के लिए ही हानिकारक नहीं है बल्कि यह मृदा को भी अनुपजाऊ बना देती है। इस संदर्भ में मृदा पर अम्ल वर्षा के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है, विचार करना है, इसमें सही कथन चुनना है। मृदा में हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम तथा मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों के आदान प्रदान के कारण पोषक तत्वों का निक्षालन होता है जिससे मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, सही बात है। अन्य पोषक तत्वों में वृद्धि के कारण मृदा में अमोनिया की कमी से अपघटन की दर कम हो जाती है, ये आपका गलत है। भारत में मृदा पर अम्ल वर्षा का प्रभाव कम है, सही है। तो इसमें एक और तीन कथन आपका सही है। जो दूसरा कथन है इसमें होगा आपका सही, अन्य पोषक तत्वों में कमी के कारण मृदा में अमोनिया की वृद्धि से, किसकी, अमोनिया की वृद्धि से ना कि कमी से, वृद्धि से अपघटन की दर घट जाती है। मृदा में नाइट्रेट स्तर का
भी कम हो जाता है। ठीक है, तो चार में आपका सी होगा, एक और तीन कथन सही होगा। क्वेश्चन है आपका पाँच। क्वेश्चन पाँच क्या है, मृदा प्रदूषण पर वैश्विक संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सही कथन चुनना है। मृदा प्रदूषण पर वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन मई 2018 में FAO मुख्यालय में किया गया था, ये सही है। ठीक है, IMF ने बेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम सम्मेलनों के सचिवालय के साथ मृदा प्रदूषण पर एक संयुक्त रूप से संगठित वैश्विक संगोष्ठी के आयोजन पर सहमति व्यक्त की है, ये आपका गलत है। इसमें केवल एक ऑप्शन सही था। ठीक है, क्या है, एक ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य, दूसरा जो कथन था आपका गलत था, इसमें सही क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि परिषद और इसकी वैश्विक मृदा समिति, मृदा पर अंतर सरकारी तकनीकी समिति के साथ साथ बासेल रोटरडैम और स्टॉकहोम सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और वैश्विक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सचिवों ने एक सार्वजनिक मंच के रूप में मृदा प्रदूषण पर वैश्विक संगोष्ठी के आयोजन की सहमति दी थी। ठीक है, क्वेश्चन है छठवा। क्या क्वेश्चन छठवा, कार्बन पृथक्करण के लिए निम्नलिखित में से किस विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, कार्बन पृथक्करण के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, खनिजों का कार्बनीकरण, पुनर्वर्णीकरण, विलेयता बाधित करना, इसमें तीनों कथन आपके सही हैं। छठवें में आपका डी होगा। ठीक है, क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन है सात। क्या है क्वेश्चन, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ओजोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन चुनना है। यह पराबैंगनी किरणों जैसी विकिरणों को अवशोषित करती है, सही बात है। यह जोमंडल में उपस्थित हो तो एक प्रदूषक बन जाती है, ये भी सही है। इसमें आपके सी ऑप्शन होगा, एक और दो दोनों सही हैं। ओजोन परत, जिसे हम ओजोनो स्फीयर भी कहते हैं, ऊपरी वायुमंडल समताप मंडल का एक क्षेत्र है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर बीच के विस्तृत है। इसमें ओजोन अणुओं O3 की अपेक्षा उच्च सांद्रता होती है। ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बना है। ठीक है, याद रखिए, यह एक अस्थिर अणु है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे आठवां क्वेश्चन। क्या है आठवां, जियो इंजीनियरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका होगा, इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सूर्य के विकास की मात्रा को सीमित करना, सही है। बादलों में बढ़ते धवलता एल्बिडो से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर विकिरण में वृद्धि होती है, ये गलत है। कार्बन अधिकरण और पिच्छादन वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों को हटाने अलग करने में मदद करना, ये भी सही है। तो इसमें आपका एक और तीन सही होगा। दूसरा जो गलत है, इसमें सही क्या होगा, अल्बेडो, धवलता में वृद्धि बादलों या भूमि की सतह की परावर्तनीयता को बढ़ाना ताकि सूर्य की अधिकांश गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेजा जा सके। बादलों की धवलता में वृद्धि से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली सौर विकिरण में कमी आती है, ठीक है, ना कि वृद्धि होती है। तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका नौ। क्या है नौवा, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है, सही कथन चुनना है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। वायुमंडल सही है, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बोल रहा है, ठीक है। वायु में जल वाष्प की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है, ये आपका गलत है। कृषि और भूमि समाज शोधन जैसी मानवीय गतिविधियाँ इसे बढ़ावा देती हैं, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका एक और तीन कथन सही है, ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में पूछ रहा था, ठीक है। दूसरा जो आपका गलत है, इसमें क्या होगा सही, इसमें सही होगा, ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कुछ किंतिम रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल होते हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है आपका अगला दस।
क्या होगा 10। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती हैं? धान की खेती, सही बात है। तटीय आर्द्रभूमि को पुनर्स्थापित करना, ये गलत है। वातावरण में जल की वाष्प की मात्रा में वृद्धि, ये सही है। तो इसमें आपका 1 और 3 सही है। दूसरा गलत क्यों है? दूसरा जो आपका गलत है, तटीय आर्द्रभूमि जो होती है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में तटीय आर्द्रभूमि की बहाली की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि आर्द्रभूमियाँ अधिक से अधिक कार्बन को संग्रहण करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन को कम करने के लिए सबसे बड़े साधन के रूप में काम करती हैं तटीय आर्द्रभूमियाँ, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन था सही, 10 का D, 1 और 3 कथन सही था। क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार, सही कथन चुनना है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC में ओजोन को क्षति पहुंचाने की संभावना 0 होती है, लेकिन ये शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, सही बात है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये गलत है आपका। इसमें केवल एक कथन सही है आपका, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस SF6 है, ठीक है। 6 गैस ओजोन परत को क्षति नहीं पहुंचाती है, बल्कि यह एक ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का वायुमंडलीय जीवन काल 1000 वर्ष से अधिक का होता है, ठीक है। क्वेश्चन है 12, क्या है क्वेश्चन 12? विलु कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सही कथन चुनना है। यह तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में मैंगो, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास पर केंद्रित है, सही बात है। ये समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय वनों की तुलना में भारी मात्रा में कार्बन का भंडारण करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें आपका 12 में दोनों ऑप्शन सही होंगे, 1 भी सही होगा और 2 भी सही होगा। क्वेश्चन है 13, क्या है क्वेश्चन है 13, कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। यह 1 टन कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन के अधिकार को दर्शाता है, सही है। निजी स्तर पर विक्रय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसका कारोबार किया जा सकता है, ये भी सही है। कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े खरीदार के रूप में विकासशील देशों के उभरने की संभावना है, ये आपका गलत है। इसमें सही क्या होगा? भारत और चीन जैसे विकासशील देशों के कार्बन क्रेडिट के सबसे बड़े विक्रेता के रूप में उभरने की संभावना है, क्योंकि विकासशील देशों में पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में चीन कार्बन परियोजना का सबसे बड़ा विक्रेता है, जो बाजार में कुल हिस्सेदारी के लगभग 70% भाग को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसमें आपका 1 और 2 कथन सही था, बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है हमारा 14, कार्बन टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, कार्बन टैक्स के संबंध में सही कथन चुनना है। यह कम उत्सर्जन के लिए एक बाजार आधारित विकल्प है, सही बात है। यह ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, यह भी सही है। इसे अभी तक भारत में पेश नहीं किया गया, ये आपका गलत है। इसमें आपका 1 और 2 कथन सही है। तीसरा क्यों गलत है? भारत में भी कार्बन टैक्स चलन में है, याद रखना है, भारत में भी कार्बन टैक्स चलन में है। वर्ष 2010 में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोयले पर उपकर पर एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ ऊर्जा कोष की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन था, क्या था, 1 और 2 कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 15, कार्बन सिंक पद संबंधित है, कार्बन सिंक पद संबंधित किससे है? एक प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय जो अनिश्चित अवधि के लिए कार्बन और उसकी यौगिकों को संचित एवं संग्रहित करता है, बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 16, क्या है क्वेश्चन है 16, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित विचारों पर कथनों पर हमें विचार करना है। प्रोजेक्ट टाइगर को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को यह पुरस्कार दिया गया, गलत है।
यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। ये आपका सही है, केवल दो कथन सही है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को सीमा पार से होने वाली पर्यावरण संबंधी अपराधों से निपटने के लिए उत्कृष्ट कार्य हेतु एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। चूंकि यह पुरस्कार प्रोजेक्ट टाइगर को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए नहीं दिया गया था, ठीक है, तो इसमें केवल दो कथन सही था। क्वेश्चन है हमारा 17, समाचारों में राहपत लुका संबंधित है, किससे संबंधित है, सभी जीवित प्राणियों के पूर्वजों से, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है आपका 18, हाल ही समाचारों में रहा परम ईशान संबंधित है, किससे, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी से, ए ऑप्शन सही है। इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछ लेते हैं कई बार, तो याद रखिए जो भी शब्द चर्चा में रहा करे उससे संबंधित जानकारी याद रखिए, ठीक है। समाचारों में रहा पद इक्वेला क्या है, तो ये आपका सौर ऊर्जा से संचालित ड्रोन, ठीक है। इक्वेला फेसबुक द्वारा विकसित एक सौर ऊर्जा चलित मानव रेड ड्रोन है। इसका उपयोग उन दूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा जहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 20, क्या है, ई समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है, सही कथन चुनना है। यह NCERT द्वारा विकसित एक ऑनलाइन निगरानी और अनुपालन तंत्र है, गलत है। इसका उपयोग विभिन्न राज्य बोर्डों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराने के लिए किया जाएगा, ये भी आपका गलत है, यानी कि दोनों कथन गलत हैं। आखिर इसमें सही क्या होगा, ई समीक्षा विभिन्न मंत्रालयों विभागों द्वारा उप प्रधानमंत्री के समक्ष किए जाने वाले प्रस्तुतिकरण के दौरान लिए गए निर्णयों पर उठाए गए कदमों की वास्तविक समय पर निगरानी करने वाली एक ऑनलाइन प्रणाली है। प्रत्येक निर्णय के तहत की गई आगे की कार्यवाही को संबंधित मंत्रालय विभाग एजेंसी द्वारा तब अपडेट किया जाता है जब उससे संबंधित स्थिति में बदलाव होता है, या महीने में कम से कम एक बार इसे अपडेट किया जाता है। विभिन्न उपयोगकर्ता जैसे PMO, कैबिनेट सचिवालय, मंत्रालय, विभाग किसी लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से इस प्रणाली तक अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य बैठकों से जुड़ी आगे की कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए इस प्रणाली को उसके हिसाब से ढाला जा सकता है, ठीक है। इसमें आपका डी ऑप्शन था, ना तो एक सही था और ना ही दो। क्वेश्चन है आपका 21, क्या 21, विश्व स्मारक कोष की वर्ल्ड मोनूमेंट वॉच सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों स्थलों में से कौन सा इस सूची में सम्मिलित है, तो आपका अहमदाबाद का चार दीवारी से घिरा घर शहर सही बात है, शिमला सिविक सेंटर सही है, डेचेन नामग्याल गोनपा ये भी सही है, यानी कि आपके तीनों सही हैं। विश्व स्मारक कोष एक निजी गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1965 में ऐसे व्यक्तियों ने मिलकर की थी जो विश्व भर में कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारकों एवं अन्य की हो रही क्षति को संवेदनशील थे, ठीक है, तो इसमें आपका डी था। क्वेश्चन है 22, क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, क्या चुनना है, सही कथन हमें चुनना है, तो इसमें आपका इसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई एवं अन्य जल वचर प्रौद्योगिकियों के अनुसरण को बढ़ावा देना है, सही बात है। यह मिशन जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय द्वारा संचालित है, यह भी सही है। यह खेत के स्तर पर सिंचाई में निवेश को बढ़ावा देती है, यह भी सही है, यानी कि आपके 22 में तीनों कथन सही होंगे, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 23, क्या है, क्वेश्चन है 23, वन स्टॉप सेंटर स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सही बात है।
या निजी या सार्वजनिक स्थानों में हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को सहायता प्रदान करती है, ये आपका गलत है। यह योजना निर्भया फंड द्वारा वित्त पोषित है, ये भी सही है। तीसरा कथन गलत क्यों है आखिर? दूसरा कथन सॉरी गलत क्यों है? पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसमें सही होगा आपका जाति वर्ग धर्म क्षेत्र यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के बावजूद OSC हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों से सभी महिलाओं का समर्थन करेगा ये, ठीक है। तो इसमें आपका 1 और 3 सही था, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन 24 क्या है? तेजस्विनी किशोरियों और युवा महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है, सही कथन चुनना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये गलत है। यह बुनियादी जीवन कौशल के साथ किशोरियों और युवा महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास करती हैं, ये सही है। यह किशोरियों और युवा महिलाओं को माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करती है, ये सही है। इसमें आपका केवल एक कथन गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। एक में आपका होगा वित्त मंत्रालय द्वारा झारखंड में, कहाँ? वित्त मंत्रालय द्वारा झारखंड में तेजस्विनी किशोरियों और युवा महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण परियोजना शुरू की गई है। किसने? वित्त मंत्रालय ने, ना कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, ठीक है। क्वेश्चन है 24 का क्या था? 2 और 3, यानी कि सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है लास्ट 25। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपका भारत की स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता में वृद्धि करना है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस प्री के लिए आपके PCS हो फिर चाहे IAS महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।